जो DJI Phantom 4 Pro है ड्रोन, जो बहुत ही बेस्ट कंपनी का है। आज हम इसका सेटिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे नया ड्रोन का सेटिंग किया जाता है। जो आज हम इसके सेटिंग के बारे में जानेंगे, जो इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेटर है। ये रहा मेरा ड्रोन और इसके अंदर ये मेरा रहा कैमरा जो हम निकाल लिए हैं, और ये रहा मेरा रिमोट, और इसके साथ क्या क्या है देख रहे हैं। इसके साथ है इसमें क्या है, इसमें है इसका पंखा, पंखा आठ पीस है। और इसमें चार ही फैन लगाने के लिए दिया गया है। अब हम फैन को कैसे लगाएंगे, ये मेरा ब्लैक है, यहाँ पर हम देख लेंगे ब्लैक देख लेंगे, और इसको हम ऐसे रख के हल्का ऐसे प्रेस करेंगे और नचा देंगे। ये मेरा पंखा इसमें लग गया। अब यहाँ हम देख लेंगे सिल्वर है, अब इसको हम इसको हल्का प्रेस करेंगे और ऐसे नचा देंगे, ये मेरा लग गया। इसी प्रकार से इधर भी ब्लैक है, ब्लैक लग गया, और ये मेरा सिल्वर कलर है, मेरा सिल्वर कलर भी फैन लग गया, ये हो गया। और चार पंख की कंपनी एक्स्ट्रा देती है, जो बाद में टूट गया या स्क्रैच आ गया इसके लिए चार पंख हम रख देते हैं। ये मेरा यहाँ बैटरी है, अलग से आप मार्केट से बैटरी ले सकते हैं। इसका बैकअप लगातार अगर यूज करिएगा तो 20 से 25 मिनट बैकअप देती है। ये मेरा निशान हो करके यहाँ लगा दिए। ये मेरा रहा कैमरा, जो कि 4K क्वालिटी कैमरा है, बहुत ही बेहतर क्वालिटी है इस कैमरे की। और ये मेरा रहा मेमोरी कार्ड जो प्रेस करने से लग जाता है और फिर प्रेस करने से ही निकलता है। ये सब है, ये सेंसर है, ये सब सेंसर है, चार सेंसर है इसके अंदर, रिमोट है, ठीक है। अब इसको हम चालू कैसे करेंगे, चालू करने के लिए एक बार बटन को हल्का प्रेस करेंगे ऐसे, और दोबारा में कुछ देर तक प्रेस करके रखते हैं। ये मेरा ड्रोन चालू हो गया, ये जो मेरा ड्रोन चालू हो गया। अब हम रिमोट का सेटिंग करेंगे कि कैसे हमको सेटिंग करना है। ये रिमोट का उठा लेंगे और इसको खोलेंगे ऐसे, और इसको हल्का प्रेस करके इसको उठाएंगे। उठ गया, इसमें मैं अपना जो 4G मोबाइल है उसको सेट कर दूँ। सेट करने के बाद इसमें डाटा केबल लगाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है।